भाई जी हूं चुनाव तो मंडगो और मंडगो नहीं हो तो यहां को मंडगो के मोदी जी ने रात में नींद को नहीं आवे आज आ छोटियां तो पहली को नहीं आवे तीन चार बनाऊ मोदी जी वाली नींद गायब हुई आज। मैं एक बात थाने कहना चाहूं आ नौबत क्यों आई 10 साल से भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के कुशासन ने लोग झेल रहा किसान परेशान नौजवान परेशान गृहिणी महंगाई से परेशान विद्यार्थी पढ़वा की व्यवस्था नहीं होने से परेशान आपने सेना के ऊपर बॉर्डर के ऊपर जगह देश की रक्षा के लिए सीने में गोली खाने के लिए तैयार रहता वे आपकी नौकरी बचाने के लिए परेशान और आज पूरे देश में आतंकवाद एक तरीके से हावी तानाशाही हिटलर शाही और वे तो करें जगह करें अठाड़ा लोकल नेता भी तानाशाही करे लगा भी तानाशाही को कटको काटनो है भाई जी मोरिया तो भूल गया विधानसभा में अब तो कटको ही काटना का लोकसभा के मायने मन एक बात बताओ ए लोग किसाना से अति नफरत क्यों करे किसान कौम से अति नफरत क्यों करे ये बात को सीधो सीधो जीतो जाग तो उदाहरण है तीन काला कानून ले आया किसाना ने 15 महीना तक बटे खून का आंसू रुलाना पड़ा हुआ कोनी परेशान सारा किसान तीन काला कानून वापिस 15 महीना बाद में लिया और 15 महीना बाद में लेने के बाद में एक लिखित समझौतो करियो देश के सामने देश को प्रधानमंत्री हाथ जोड़ माफी मांगी और लिखित में समझौतो करियो कि किसान का जकी एमएसपी को कानून है वो एक कमेटी बनाऊं री कमेटी के बाद के मायने मैं इन्हें लागू कर देसू किसाना की समस्या को समाधान कर सिया स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जकी है बा आपा लागू करांगा 22 महीना इंतजार करने के बाद में जब चुनाव आने लग गया तो किसान भाई आप सब लोग बे लोग पूछो कि मोदी थे जो थारा मंत्री के साइना से जगह किसाना के लिए थे एमएसपी के कानून की बात करी किसाना की समस्या के समाधान की बात करी बाको काई हुयो तो मोदी जी कहो थारे याद आवज की करो आ याद आइए मोदी जी को जवाब 19 अप्रैल और 26 अप्रैल ने राजस्थान का किसान नौजवान और 36 कौमों का लोग देने के लिए तैयार है आज किसान दिल्ली जावे आपकी लिखित समझो तो मनाबा के लिए तो मोदी जी की सरकार पुलिस ने ताण दे कीला लगा दे किसान आतंकवादी कहवे बने गुंडा कहवे मवाली कहवे और जको किसान धूप में बरसात में जमीन को सीनू सील और सब लोगों के देश के लोगों को पेट भरबा को काम करे भी किसान को अपमान करबा को काम करे और आई नहीं जको किसान राजनीति में है चाहे वो गोविंद डोटाचरा है चाहे रावल कसवा है चाहे 36 कोमा का कोई भी भाई जको किसान की बात करे बिना भारतीय जनता पार्टी कुचलबा को काम करे अरे को जीतो जागतो नमूनो है राहुल कसवा की तरीके से टिकट काटी राहुल कसवा में एक ही कमी ही के राहुल कसवा ठाके आशीर्वाद से एमपी बने हो कोई एक या दो नेता का आशीर्वाद से कोनी बनेड़ो वो नीचे झुकियो कोनी अरबिन झुकावा के लिए प्रयत्न करया अरो मोटियार नहीं को झुकियो ने लड़ाई की टिकट काट दी लेकिन भी टिकट को तो अब गाला भरोसा कोनी हो राहुल जी टिकट की गारंटी आ कांग्रेस आ टिकट है ने आने लोकसभा में पहुंचा देसी अब बात सही कह रहा बुढ़ानिया साहब के सफाई देता घूमे क्यों भाई है कि नौबत क्यों आई कणा कणा पानी भी आवे आंखिया में आवे ने क्यों ये कि नौबत क्यों आई भाई के मैं 6 फुट 2 इंच को नेता हूं भाई जी 6 फुट 2 इंच से एमपी एमएलए को नहीं बने ए बोटी की नहीं जाने मिन खागी जना एमएलए बने
लंबाई तो इसलिए काम आओ, टेंट वाला है ना टेंट वाला, ए टेंट बांध बाने फित्ता कैसे आ जाना, स्टूलर निसरनी लगावा, अगर ज्यादा लंबाई है तो वहां निसरनी मत लगाओ, थे ये ही फित्ता कस दियो, लंबाई काम को नहीं आवे, जनता को आशीर्वाद काम आवे। और जको नेता 36 कोमा ने सागे नेर चाले, 36 कोमा को आशीर्वाद है वो नेता बने, वो एमएलए और एमपी बने। भाई जी आज निमड़ा बोलबा लग गया है, नहीं तो के बोलिया के नहीं बोलिया भेरो है के थाने, मारे लक्ष्मणगढ़ में जार बोलिया गोविंद डोटासरा को परिवार की बहू कुण से चक्की को आटो खायो, मैं क्यों चूरू जिले की चक्की को आटो खायो। अब बुझबो रहेगा, बात करबो बंद कहेगा, केवल भावनात्मक अपील करें कि मैं की के काम को नहीं आयो। नेताजी मैं थाने बुझबो चाहूं, 7 बार एमएलए चूरू की जनता बनायो, थे जायड़ा जलमेड़ा दूसरे जिले का, और जनता चूरू की आशीर्वाद दे, 7 बार मंत्री विधायक बनाने को काम करियो, आके पान नेता बनिया। मैं गोविंद डोटासरा हो, चाहे राजेंद्र राठौड़ हो, चाहे राम सिंह कसवाजी हो, चाहे जत्ता भी नेता बैठे है, चाहे अशोक गहलोत जी हो, तमाम नेता जनता के आशीर्वाद से बने, जनता का आशीर्वाद बना नेता को नहीं बने। काम ज्यादा बताबा की आवश्यकता को नहीं, थे से समझेड़ा हो और थे से काटो काट बने आयड़ा हो बीजेपी के उम्मीदवार को। ते एक बात बताओ भाई, जको आदमी जको व्यक्ति खेल के मायने दुनिया में आपनो नाम रोशन कर रही हो, और राहुल कसवा राजनीति में आपनो सिर ऊंचो कर रही हो, अरे जरूरत के पड़गी आकी हिम्मत की होगी कि जको आदमी खेल में काम कर रही हो भी ने तो राजनीति में, और राजनीति में काम कर रही हो भी ने घर बैठ गया काका जी को बाड़ो है गे है, घर की कहती है तो मूली जच्चा जी उपाड़ लियो और जच्चा जना बीज गो दियो। आज जनता जनार्दन है नेताजी, ध्यान कर लियो, टेम है, आज भी सुधर जाओ, हाथ जोड़ चूरू की जनता से माफी मांग लियो, के बेरो 5 साल बाद में दोबारा मोड़ी आ जाए। अगर इस तरीके से एम और अहंकार से लोगों ने किसान के बेटा ने कुचड़बा को काम करोगा तो मैं थाने कह जाऊं चूरू की धरती पर कदे जिंदगी के मायने जनप्रतिनिधि शब्द नहीं लिखी जेलो, जनप्रतिनिधि शब्द नहीं लिखी जेलो। इसलिए मैं थाने एक निवेदन करना चाहूं, किसाना के लिए इससे बढ़िया कोई मौको नहीं है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, आरएलपी, आप, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तमाम दलों का लोग एक इंडिया गठबंधन बनायो, और राहुल जी और खड़गे साहब और सारा नेता मिलर फैसलो करियो कई मोदी सरकार ने भगानी है, जका ईडी इनकम टैक्स सीबीआई को दुरुपयोग करे, जका लोगा ने प्रताड़ित कर इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेवे, जका काम के बदले धंधो करे और काम के बदले जको चंदो ले, और दूसरे बनेड़ी सरकार ने गिराबा को काम करे, बा लोगा को खात्म जरूरी है, बाको कुशासन हटाबा के लिए। आज गहलोत साहब रंधावा साहब चूरू की धरती पर 36 कौम का लोग, एक किसान बरादरी का लोग, बुजुर्ग युवा महिला माता बहना सारा ऐलान करवाना आया है कि चूरू से ऐतिहासिक मता से राहुल कसवा जीत लोकसभा के मायने जाए लो, लोकसभा में जाए लो। कोई के बैक का मापा की दरकार को नहीं है, बोला दिन होगा फड़फड़ाट करता, अब वो फड़फड़ाट मिट को गण करो तो अरे लोकसभा चूरू को रिजल्ट आ जाए, राहुल कसवा जीते को पूरो को पूरो फड़फड़ाट मिट जाएगो भी के बाद में थाने को 12-6 महीना ने ब्यास हवा में नजर आवेगा नेताजी, बाकी कठे नजर को नहीं आवेगा। इसलिए सब लोगों ने एक ही निवेदन है, हेलीकॉप्टर उड़नो है, गहलोत साहब रंधावा साहब भी बोलेगा और राहुल कसवा भी बोलेगा, माने 2:30-3 बजे एनी हाउ पूछनो है भाई जी, क्योंकि गोविंद राम जी भी बैठे नामांकन भर रहे हैं, बाकी भी अति बड़ी सभा है आज, ऐतिहासिक सभा,
जकी थे आज नामांकन राहुल कसवा जी के लिए आया हो, मैं थाने सैने 36 कोमा के लोगों ने सलूट करूं, प्रणाम करूं। और गोविंद डोटासरा हमेशा आपके लिए तैयार मिलेगा, रात को बदला लेना, दिन में बदला लेना, और जब कह देना कि गोविंद डोटासरा आपकी जरूरत है, गोविंद डोटासरा आपके बीच में हाजिर मिलेगा। 1.5 घंटे का रास्ता है, ज्यादा रास्ता नहीं है, लेकिन ध्यान रखना, सावधानी रखनी है। राहुल कसवा ने अत्यंत ज्यादा वोटा से जीताणु है कि एक रात, दो रात, तीन रात नहीं, पूरे 5 साल सत्ता गमाने के कारण से मोदी जी ने, अमित शाह ने नींद नहीं आवे। यहां को जाप तो चूरू से करने को काम कर जो कर दोगा, जचा दोगा। पहली में पहल यो फाइल सल्टा हो बात होते सल्टा दी काटो काट देसियो अरे बोलीगा बे मैं बोलगा ना, अब दोबारा नाम लेबा की दरकार है गे। मैं अत्ता जोर से बोलिया, अत्ता जोर से बोलिया के पांखड़ा भी लात लिया कोनी। आप सब लोग आया, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।